सिंह और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। बेगूसराय में आज सीएए को लेकर कांग्रेस के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने हिस्सा लिया। कांग्रेस विधायक रामदेव राय के चक्का सौलड़ी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं जनसंवाद के बाद राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी अतिथियों के द्वारा किया गया। इसके पहले कांग्रेस भवन में भी जनसंवाद का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि केंद्र की सरकार महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एनआरसी जैसे कानून को लाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, उनके मंत्री डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसे में आम लोग अपने माता पिता का डिग्री कहाँ से लाएंगे। यहाँ हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी से लड़ाने का काम किया जा रहा है। शक्ति सिंह गोहिल ने भाजपा के द्वारा किए जा रहे कार्य से पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में राजद के द्वारा 7 सीटें मांगे जाने के सवाल पर कहा कि भाजपा को हराने के लिए महागठबंधन तैयार है, इसको लेकर विचार किया जा रहा है और महागठबंधन ने जिस तरह से झारखंड में भाजपा को हराया है उसी तरह दिल्ली में भी किया जाएगा, साथ ही आपस में मिल बैठ कर तय किया जाएगा। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा जदयू को महागठबंधन में शामिल कराने के प्रयास के सवाल पर गोहिल ने कहा कि अगर कोई संभावना जदयू को महागठबंधन में शामिल कराने पर होगी तो इसके लिए महागठबंधन में मिल बैठ कर सभी बातों पर विचार किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ देरी कर दी, उनको अगर विरोध करना था तो उनको लोकसभा और राज्यसभा में करना चाहिए था, और हमारे पीके जो हैं उनको कन्विंस करने में भी थोड़ी विलम्ब हो गई, इसलिए थोड़ा अर्ली करना चाहिए था। तो मगर देर आए दुरुस्त आए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं ठीक है, आए तो अच्छी बात है। देखिए सीएए पे सही बात समझनी होगी, क्या ज़रूरत थी सीएए लाने की? हमारा सिटीजन्स एक्ट तो था ही, आप अदनान सामी को भी जब सिटीजन बनाना चाहते थे बना दिए हमने, कोई दिक्कत नहीं आई थी, कानून तो था ही। भाजपा सिर्फ 3 कंट्री माने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 से आए हुए हिंदू, दूसरे देशों से आए हुए को कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं है। श्रीलंका से 95,000 जिसमें ज़्यादातर हिंदू है, उनके लिए सिटीजनशिप एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। और कानून जब भी बनता है, बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो हमारा संविधान बना है उससे उल्टी दिशा में तो कानून कोई सरकार नहीं बना सकती। मेरा भाजपा के यही सवाल है, कौन रोकता था? आपके पास कानून था, बनाइए सिटीजन, जो भी दिक्कत में आए। मजहब के नाम पे आप ऐसा प्रावधान लाते हो जो हमारे संविधान इजाज़त नहीं देता है। आप सिर्फ 3 देश का चयन करते हो और दूसरे देश के हिंदुओं को भी छोड़ देते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये ना राम के हैं, ये ना रहीम के हैं, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के हैं। देश संभल नहीं रहा था, युवा का बेरोजगारी का परसेंटेज 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया था, तो ये सिर्फ देश की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये लाया गया है। सर चुनाव पहले ही जो महंगाई हो रहा है, इस तरह चुनाव पहले बिठा हो रहा है, आपके महागठबंधन को लेकर आपके चुनाव, सभी लोग अपने अपने सीटों का दावा कर रहे हैं, इतना सीट। देखिए रघुवंश प्रसाद ने भी एक चिट्ठी लिखी लालू जी को और उन्होंने कहा कि सब कुछ सही नहीं है, जल्दी ध्यान दे। और जगदानंद सिंह भी बड़ा खुलकर बोल रहे अपने सहयोगी को कि जिनको रहना है, जिनको तेजस्वी को नेतृत्व मानना है वो माने। देखिए जब पार्टियां मिलती हैं तो आपस में अपना अपना भी एक एजेंडा होता है, अपनी अपनी पार्टी का काम होता है। हम चाहते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टी साथ रहे और इस आवाम की, देश की भी ज़रूरत है, बिहार भी बदलाव चाहता है, क्योंकि जिस तरह से विचारधारा का ना ताल है ना मेल है वो चला रहे हैं सरकार, लोग परेशान हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि सब साथ रहे। हम भी हमारी मेहनत में लगे हुए हैं, सभी पार्टी अपनी सभी सीटों पर मेहनत करेगी।